आज यानी 28 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेनिंग के लिए जम्मू के एमएस स्टेडियम में आ रहे हैं और इस समय हमारे साथ कुछ लोग हैं जो उनकी रैली में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम बिंदिया। आप यहाँ पे आए और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने आ रहे हैं जनसभा को, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मोदी जी को नमस्कार करती हूँ और बहुत खुशी की बात है कि मोदी जी हमारे जम्मू में आए हैं, मंदिरों के शहर में आए हैं और मोदी जी के आने से खुशहाली होगी है बहुत ज़्यादा। और ऐसा प्रधानमंत्री कहीं नहीं मिलेगा। किन मुद्दों पे आप वोट करने वाले हैं इस बार? देखें कि हम चाहते हैं कि वो ही आए, उनकी जगह कोई और नहीं होना चाहिए, सरकार वही बने। हमारे साथ और भी लोग हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष चंद्र है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एसी मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज बड़ा ही खुशी का उत्सव है, ये सभी मेरी माता बहनें मोदी जी को देखने आई हैं, ये मोदी के भक्त हैं सभी, मोदी जी की वाणी, मोदी जी के एक एक शब्द, उनकी प्रेरणा, ये सब उनको देखने सुनने के लिए आए हैं। ये अपने मन धन के साथ मोदी के साथ हैं, क्योंकि मोदी जी की जो मोदी जी की नीतियाँ हैं, मोदी जी के काम हैं, उनसे प्रभावित हो गए, उनको देखने के लिए आए हैं। हम सभी देशवासी हैं, हम ये मनोकामना करते हैं कि मोदी जी की लंबी उम्र हो, देश की तरक्की हो और हम आगे और बढ़े देश। क्या लगता है भाजपा कितनी सीट्स निकाल लेगी? ये हमें पूरा यकीन है कि भाजपा इस बार जम्मू में सरकार बनाएगी, बहुमत से सरकार बनेगी। ये हम सभी लोगों का मत है, हम डालेंगे वोट, फर्स्ट वीक को वोटिंग है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आपका क्या कहना है इस पे? हमें कहना है मोदी वर्गा देश में कोई मंत्री नहीं आएगा। मंत्री बड़ा मंत्री है ना जो दिल्ली में बैठा है मोदी, उस वर्गा कोई मंत्री नहीं आएगा। हमने बहुत देखे हैं, उस वर्गा नहीं आएगा कोई भी। जनता पार्टी। आप देख सकते हैं लोगों में किस तरह का रुझान है और लोग किस तरह से जो आ रही हैं इस रैली में सम्मिलित होने के लिए, कुछ टुकड़ियों में आ रहे हैं, हर एक बंदा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के साथ आ रहा है, एक एक इलाका, एक एक मोहल्ला, वहाँ से लोग इस समय आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज यहाँ पे जम्मू के एमएस स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशाल रैली है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो लोग हैं वो आ रहे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं अगर अपने कैमरामैन को बोलूँ कि दिखाएं, और वहाँ से पीछे से दूर दूर तक जहाँ नज़र जाए वहाँ पर लोग रैली में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह के यहाँ पे जो इंतज़ाम किए गए हैं, मैं एक बार ही बोलूँगी अपने कैमरा पर्सन को कि ये भी दिखाएं कि जो इंतज़ाम है यहाँ पे, जो टीम है वो फुल्ली इक्विप्ड है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी के प्रबंध किए गए हैं वो कितने पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, यहाँ पे जो जेके पुलिस की टीम है वो यहाँ पर आई हुई है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं महिलाएँ यहाँ पर आई हैं, काफ़ी लोग हैं। और यहाँ पे सर आपका नाम? सुभाष चौधरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं और रैली में संबोधित होना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं। आपको हम बता दें आज 28 सितंबर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में अपनी एक विशाल रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। हम आपको बता दें उनका फेवरेट वेन्यू है, जहाँ पे वे बहुत बार, मतलब 3-4 बार आ चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, आपको दिखा रहे हैं विजुअल्स जेके न्यूज़ टुडे के माध्यम से जो लोग हैं वो आ रहे हैं, और उस तरफ सिक्योरिटी चेक हो रहा है जो लोग हैं, और यहाँ पे हम बताएं। मैम आपका नाम? मैं शालू गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से हूँ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत खुश हैं,
प्रधानमंत्री जी, वो प्रधानमंत्री जी जिन्होंने जम्मू को सारी उम्र आशीर्वाद दिया, जब से वो सरकार में आए हैं उन्होंने हमें एम्स दिया, आईआईटी दिया, आईएम दिया, उन्होंने क्या कुछ नहीं दिया, उन्होंने आयुष्मान दिया। जो गरीब तबका अगर उसको कोई ऑपरेशन करवाना पड़ता था, हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो घर गिरवी रख कर अपना इलाज करवाते, लेकिन मोदी जी ने 5 लाख दिया, अब तो उन्होंने उसकी ज़्यादा बढ़ा दिया, 7 लाख कर दिया, पेंशन 3000 कर दी, उन्होंने बहुत कुछ दिया। हम महिलाओं की इतनी स्कीम्स दी, हमारे घर बेटी पैदा होती तो हम घबरा जाते थे कि हम शादी कैसे करें, पढ़ाएंगे, सुकन्या योजना हो गया, लाडली बेटी, इसके तहत बहुत सारी स्कीम्स दी कि आज बेटी होने पर हमें गर्व महसूस होता है। और जैसे उन्होंने 370-35 से हटाया, हमारा वजूद ही खत्म हो जाता था कि जब हम लखनपुर से आगे जाते थे शादी होती थी, हमारा वजूद ही नहीं रहता था, हम कह ही नहीं पाते कि हम जम्मू की बेटी हैं, लेकिन ये टूटने से आज हम गर्व से कहते हैं हम जम्मू की बेटी, हम बहुत खुश हैं। और हमारी पूरी महिला शक्ति जो है, महिला शक्ति के साथ साथ हमारे पुरुष भाई भी उनके सपोर्ट के लिए खड़े हैं, भाजपा के लिए खड़े हैं, और हमें पूरा विश्वास है हमारा सीएम बनेगा, यहाँ भाजपा की ही सरकार आएगी। थर्ड फेज है उसकी पोलिंग 1 अक्टूबर को है, जम्मू में सबसे ज्यादा सीट्स हैं, क्या लगता है भाजपा कितनी सीट्स ले लेगी? भाजपा पूरी सीट्स लेगी, पूरे बहुमत से आएगी। मैंने पहले भी बोल दिया कि हमारा सीएम आएगा, सीएम तभी आएगा कि हमारा पूरा बहुमत होगा, बहुमत से जीतेगी। यहाँ पर प्रत्याशी जितनी भी टिकट्स मिली है सब एक से एक बढ़कर है, सब ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हैं, ग्राउंड लेवल से वो शुरू से चलते आए हैं, इसलिए यहाँ भाजपा ही आएगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो ग्रुप्स में आ रहे हैं, और यहाँ पे हम आपको बताएं कि जो छोटी छोटी टुकड़ियाँ हैं लोगों की वो आ रही हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ लोग आ रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम मैडम गुलशन कुमार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू आ रहे हैं और एक विशाल रैली को संबोधित कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि मोदी जी अगर यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ आपको लग नहीं रहा कि कोई टक्कर में है, यहाँ 100% बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, और जो NCPDP कांग्रेस जो है इनका सफाया करने जा रहे हैं मोदी साहब। आज महा मोदी साहब की रैली है और लोगों का इतना जमावड़ा हो रहा है कि पूरा J&K जहाँ इकट्ठा हो रहा है। जी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो कितने उत्साहित हैं, और यहाँ पर एक एक कर कर आ रहे हैं, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से देख पा रहे हैं कि इस समय जो होल्डिंग्स हैं वो किस तरह से जीवल चौक पे लगाए गए हैं, यहाँ किस तरह की तैयारियां हैं, पुलिस कर्मी जो हैं वो किस तरह से यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो लोग हैं वो आ रहे हैं पूरे उत्साह में, और यहाँ पे हम आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं जम्मू, जहाँ पे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रैली को संबोधित करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम पंडित रमेश रैना। कहाँ से हैं? मैं गांधीनगर से हूँ, गांधीनगर मंडल से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू आ रहे हैं और विशाल रैली को संबोधित कर रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? आज बड़ा ही खुशी का दिन है, जो कि नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे जम्मू में उनका जो आगमन हो रहा है ये एक बहुत बड़ी बात है, और नरेंद्र भाई मोदी जी देश को, क्या हमारे J&K स्टेट को और पूरे देश को जगाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पिछली जो यहाँ पे सरकारें थी, जो पिछली सरकारें जो अपना राज चलाती थी, जो खानदानी राज चलाती थी, उनको मोदी जी एक बताने आए हैं कि खानदानी राज नहीं चलेगा और यहाँ पे BJP की सरकार बनेगी। आने वाले समय में जो इलेक्शन हमारे जम्मू में, जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, BJP की सरकार बनेगी और BJP का चीफ मिनिस्टर बनेगा, और ये खानदानी राज जो है खत्म हो जाएगा और जम्मू कश्मीर पे BJP का राज होगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। जो लोग हैं वो कितने उत्साहित हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद।
और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जम्मू में किस तरह से जो माहौल है वो तेजी से बढ़ रहा है, जो लोग हैं वो तेजी से आ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं हर तरफ से, अगर हम कैमरा घुमाएं, अगर हम बात करें गांधीनगर वाली तरफ से तब लोग आ रहे हैं, सिटी वाली तरफ से बात करें, गुजर नगर वाली साइड से बात करें, हर तरफ से जो सपोर्टर्स हैं। आपका नाम? विजय कुमार। कहाँ से? जहाँ से? बहुफोर्ट बाजीगिर बिरादरी। हम मोदी साहब का स्वागत समाप्त करते हैं और जो यहाँ पे हमारे मोदी साहब आए हैं हम बहुत धन्यवाद करते हैं और पूरे जम्मू वासियों को कहते हैं कि बीजेपी को वोट दो अगर हिंदुस्तान को बचाना है, जम्मू कश्मीर को बचाना है और बीजेपी को लाना है। और बाकी क्यों पड़े हो चक्कर में? इनसे बात। हम रतनलाल, मैं रतनलाल बाजीगर, मेरे जम्मू कश्मीर में जितने बाजीगर हैं सब मोदी का समर्थन कर रहे हैं, पहले भी करते थे आज भी करेंगे, हम मोदी को लाएंगे, पांचवी बार लाएंगे। जय भारत माता की, जय भारत। जो लोग हैं पे आ रहे हैं और लोग जो है उनका आगमन अब शुरू हो गया है, जिस तरह से हमने आपको पहले एक लाइव करके बताया था कि किस तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं और बात करूं, व्यवस्थाओं की बात की जाए, मैनेजमेंट की बात की जाए तो किस तरह की मैनेजमेंट है। पर अब जब जो लोग हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पर हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं कि हर तरफ एक लहर सी है, लोगों में उत्साह है और जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर आकर मोदी के समर्थन में आज मौलाना आज़ाद स्टेडियम में हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि जो एंट्री गेट्स हैं वो इस तरह से हैं कि अगर हम बात करें जीवल चौक की, इस तरफ से भी है, उस तरफ अगर मैं बात करूं गेट के पास तो वहां से भी जो एंट्री पॉइंट्स रखे गए हैं वो है। मीडिया पर्सन के लिए अलग से एंट्री है, उनके लिए अलग से अरेंजमेंट्स हैं, वीवीआईपीज़ के लिए अलग से अरेंजमेंट्स हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो सिक्योरिटी चेक के लिए जा रहे हैं और यहाँ से जो लोग हैं, क्योंकि रास्ते बंद हैं, गाड़ियाँ इस तरफ नहीं आ सकती हैं, तो जो लोग हैं वो पैदल ही मार्च करके टुवर्ड्स मौलाना आज़ाद स्टेडियम जो है वो आ रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं वो किस तरह से यहाँ पे एक अलग ही लहर है इस समय जम्मू में। उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में जेके न्यूज़ टुडे के माध्यम से हम आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं। जैसे हमने आपको वादा किया था कि हम पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, पॉलिटिकल कोई भी एक्टिविटी होती है हम आप लोगों को बताएंगे। वहीं पे हम आपको बता दें कि कल राहुल गांधी का भी एक कैंपेन था पर ड्यू टू बैड वेदर वो कैंसिल हो गया और आज प्रियंका गांधी भी जम्मू आ रहे हैं, यानी कि बिलावर में उनका एक कैंपेन है, उसके बाद उनका जो कैंपेन है वो बिश्ना में भी है। लेकिन मौसम आज भी ख़राब है पर फिर भी दिख रहा है कि मौसम अब सही हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो एक एक करके आ रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए हैं आप देख सकते हैं। और लाइव विजुअल्स जेके न्यूज़ टुडे अपने माध्यम से दिखाते हुए कि किस तरह से जो लोग हैं वो आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि जो आम जनता है वो भी इस समय पैदल ही आ रही है क्योंकि जो रास्ते हैं वो सिक्योरिटी रीजंस के लिए बंद रखे गए हैं कुछ, और कुछ ही जो रूट्स हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही ट्रैफिक एडवाइजरी आ गई थी कि कौन कौन से जो रूट्स हैं वो खुले रहेंगे लोगों के लिए। हम आपको बता दें
सर आपका नाम? रविंदर सिंह। कहाँ से है? जम्मू साउथ। कैसा लग रहा है माहौल इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेनिंग के लिए आ रहे हैं? माहौल बहुत अच्छा है, इस बार बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी अपनी जम्मू कश्मीर में। जी, वहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? कैंडिडेट जीते हुए हमारे, वैसे वैसे फॉर्मेलिटी है, 1 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो देख लेना क्या होगा। टक्कर आरएसपुरम में किस तरह की है? टक्कर हमारी है नहीं किसी के साथ, हमारी टक्कर क्या है, मोदी जी के साथ किसकी टक्कर है। आपका नाम? सुरजीत सिंह। किस तरह का सपोर्ट लग रहा है आपको भाजपा के साथ या आरएसपुरा के कैंडिडेट के साथ? आरएसपुरा के कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं और डट के मुकाबला कर रहे हैं और अच्छे वोटों से जीतेंगे। किन मुद्दों पे वोट कर रहा है आरएसपुरा? मुद्दे तो कोई खास मुद्दा तो यही है बस कि मोदी साहब को जिताना है, बस भाजपा सरकार बनानी है, बस सब लगे हुए लोग दिन रात। अच्छे तरह। और किस तरह की कैंपेनिंग चल रही है उस एरिया में? कैंपेनिंग जबरदस्त चल रही है, अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, फर्स्ट क्लास। सर आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट? मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा, मतलब जम्मू के लिए और बहुत अच्छा है, बाकी उनके आने से जम्मू वासी सभी खुश हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जम्मू में आए हैं, तो उनके आने से हम बड़े खुश हैं और भाजपा की जीत निश्चित है। जिस तरह से अगर हम भाजपा की कैंपेनिंग की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा भी जम्मू के कोने कोने में, और भी कई बड़े लीडर्स हैं जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? ये हम जम्मू वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े लेवल के सभी मंत्री हमारे जम्मू के बीच आ रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हाँ जी। और बाकी पार्टीज की कैंपेनिंग पे आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी पार्टी की कैंपेनिंग हम क्या करें, हमें तो बस अपनी जीत निश्चित है हमारी, तो बाकी मतलब कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो चक्कर में। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो आते जा रहे हैं, जो संख्या है लोगों की। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो आ रहे हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? सत्यभूषण मिश्रा। सर जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं जम्मू में, कैसा लग रहा है, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, सारे एक्साइटेड हैं और मजे से गांव से लोग आ रहे हैं, मौसम की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, बाकी लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं, धड़ाके से आ रहे हैं, तो जम्मू सूबे की सारी सीटें निकालनी है बीजेपी ने और बढ़िया है, मोदी भाई आ रहे हैं तो उनके लिए हम सारे लोग जा रहे हैं। किन मुद्दों पे वोट कर रहा है जम्मू? विकास के लिए वोट है, तो बाकी विकास हुआ भी है, हो भी रहा है, तो यहाँ से तो जो आगे भी होगा, तो हम सारे मुद्दे जो है वो सारे साल हुए हैं, राम जन्मभूमि का हुआ है, अयोध्या का जो मसला था वो हुआ है, बाकी जो है सारे मसले वो सारे हल हो रहे, तो आगे जो है वो भी होंगे। हिंदू समाज को बढ़ाना है, हिंदू समाज है ना उसको बढ़ाना है, उग्रवादियों का को सब लगे जहाँ से निकालना है, खत्म करना है। आज तक तो हम अंधे बैठे थे, पता ही नहीं था जम्मू के लोगों को, ये डोगरे हैं इनको पता ही नहीं था, अभी पता चला है कि जम्मू क्या है, कहाँ पे है, अभी पता चला है, ऐसे तो कोई पता ही नहीं था, सभी लोग अनपढ़ थे, पढ़े हुए भी अनपढ़ थे, अभी पता चला है क्या हरियाली है। आज मोदी आ रहे हैं, देखो सड़कों पर रौनक, हर जगह देखो कैसे चल रहा है, हम तो बहुत खुश हैं, भूखे ही आ गए हम, मैं पहले मोदी देखेंगे, उनके दर्शन करेंगे, फिर दूसरा काम करेंगे। जय माता दी। अभी आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि किस तरह के व्यवस्थाएं हैं, जो लोग हैं वो किस तरह से एक एक करके आ रहे हैं, आगे भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि जो समूह है, कुछ लोगों का ग्रुप है वो आ रहा है टुवर्ड्स एमए स्टेडियम रैली में सम्मिलित होने के लिए, रैली में आने के लिए, रैली अटेंड करने के लिए। जिस तरह से लोगों का कहना है कि वे बड़े उत्साहित हैं, बहुत एक्साइटेड हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए। और यहाँ पे जो लोग हैं, हम आपको बता दें कि किस तरह से जो लोग हैं, हमारा नेता कैसा हो, नरेंद्र सिंह जैसा हो, नरेंद्र भाई सत्ता, जिंदाबाद नरेंद्र भाई सत्ता, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद ब्रजेश राणा, जिंदाबाद ब्रजेश राणा, जिंदाबाद। सर आपका नाम?
राजकुमार। कहाँ से हैं? हम आरसपुरा से हैं। किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है आरसपुरा के कैंडिडेट को भाजपा को? आरसपुरा को कैंडिडेट को सपोर्ट ऐसे मिला है, एक तो कट्टर ईमानदार है और काम करने वाला आदमी है। पहली दफा आया है, जो जितनी भी पार्टियों की अपोजिशन है सब हमारे साथ है, बीजेपी के साथ, जो आज का समय चल रहा है। और किन मुद्दों पे आरसपुरा वोट कर रहा है? किन मुद्दों पे? उन मुद्दों पे कर रहा है कि हमें उम्मीदवार अच्छा मिला। अभी तो मुद्दे तो बहुत हैं, अभी इस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो किस तरह का रिस्पांस आपको दिखाई दे रहा है? उनका रिस्पांस बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, सबसे महान नेता हैं वो, और उससे जैसा नेता ही कोई नहीं है। जो सत्ता जी आए हैं नरेंद्र सिंह जी, ये एक महामंत्री रह चुके हैं और इनको ईमानदारी से नरेंद्र भाई मोदी ने खुद इनको टिकट दिया है कि जाओ आरसपुरा में जाके अपनी साउथ को संभालो और अच्छा बनाओ इनको, तो इसके ज्यादा नेता कोई नहीं मिल सकता। ये प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में और बहुत अच्छे ईमानदार हैं। शुरू में जो एबीवीपी में रहे हैं, ये कोई 40 साल से कर रहे हैं इसका काम, हम भी इनके साथ काम करते हैं, जुड़े हुए हैं बहुत देर के। इनके जैसा नेता नहीं मिलेगा, ये आएंगे तो साउथ को सुधार देंगे सबसे अच्छी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है। आरएसपुरा से ये समूह आया है, हम आपको बता दें कि बहुत से लोग अभी भी जुड़ते जा रहे हैं, जो लोगों का ग्रुप है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी भी लोग जो है वो आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं सबके हाथों में भाजपा के झंडे हैं, भाजपा के फ्लैग्स हैं, भाजपा के बैचेस लगे हैं उनके कपड़ों पर। और यहाँ पे जो लोग हैं वो, जो एक नज़ारा है इस समय जम्मू का वो कुछ अलग ही है। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम पूरन सिंह है। कहाँ से हैं आप? हम आरसपुरा से आए हैं जी। किस तरह का सपोर्ट आरसपुरा दे रहा है भाजपा? आरसपुरा बहुत अच्छी तरह सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आरसपुरा क्या, पूरे हमारे जम्मू कश्मीर के बीच में मोदी जी ने जैसा काम किया ऐसा कोई भी लीडर नहीं कर सकता, और सबसे बड़ा देश को मोदी के ऊपर पूरा भरोसा है सुरक्षा के लिए, और बाकी जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है सब मोदी जी करवा रहे हैं। पहले आज तक ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ, ना कोई करेगा। थैंक यू। आंधी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की पूरे जम्मू कश्मीर में, और आने वाले समय में पहली बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और हिंदू मुख्यमंत्री बनेगा। आंधी चल रही है बीजेपी में, मुख्यमंत्री आएगा हिंदू, बोलो हिंदू आएगा मुख्यमंत्री जो भी आएगा। मेरा नाम पुरुषोत्तम भारद्वाज, मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ। मैं बीजेपी के लिए इतना बोलता हूँ कि जो भी होगा बीजेपी के लिए होगा और मोदी जी के लिए होगा। हमारा हर कतरा हर जगह जगह पर हर मोदी होगा, घर घर मोदी होगा। तो आप देख पा रहे हैं जो लोग हैं वो आ रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार। कहाँ से? आरसपुरा खाना चाहते हैं। किस तरह से मोदी जी को सपोर्ट करने आ रहे हैं? मोदी जी को हम बहुत अच्छे तरीके से स्वागतम कर रहे हैं, और दुनिया में इतिहास लिख देंगे एक बार जम्मू में कि मोदी जी आए थे और मोदी जी कैसे जीत के जाएंगे। और लोगों का समर्थन किस तरह का है? बहुत ज्यादा समर्थन है, बहुत लोग पूरा मन धन धन से सब तैयार हो गए, लोग आए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं जो लोग हैं वो आए जा रहे हैं, और जो लोगों की संख्या है, जो कहा जा रहा था कि 1,00,000 लोगों का अरेंजमेंट किया है, अब लग रहा है कि 1,00,000 से कहीं ज्यादा ना हो। आप देख पा रहे हैं लोग जो हैं वो आ रहे हैं, और जिस तरह से हमने आपको बताया कि सिर्फ ये वाला एक फ्लाईओवर है जिसे वर्किंग रखा गया है फिलहाल, और जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं आप देख सकते हैं किस तरह से हैं। और जो ये वाली रोड है टूवर्ड जीवल या बस स्टैंड, इसे बंद रखा गया था सिक्योरिटी रीजंस के लिए, यहीं से जो एंट्री है वो भी है। इसीलिए हमको बता दें कि इसीलिए जो लोग हैं वो पता नहीं कितनी दूर से, क्योंकि जब हम आए थे तो एशिया के पीछे से जो सड़क है वो बंद रखी गई थी। आपका नाम? आरसपुरा से। तो आप हमें बताइए किस तरह का सपोर्ट है भाजपा के लिए?
हाँ जी भाजपा के लिए किस तरह का 100% से भी ज्यादा वोट है, पूरे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताकर मोदी अपने मोदी जी की सरकार को बनाएंगे जहाँ पर, और जो पाकिस्तान में जाके मोदी जी ने घुसके मारा है, 370 तोड़ी है, 35 तोड़ी है, पत्थरबाजों को अंदर घुसा दिया है, और हुर्रियत की जमानत जब्त करवाएंगे फारूक अब्दुल्ला और जो महबूबा मुफ्ती इनकी कांग्रेस की, सबकी जमानत जब्त होगी। आपने जिस तरह से शर्ट पहनी है जिसपे आपके कैंडिडेट की तस्वीर भी है, हाँ। तो किस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें? हम पूरी सपोर्ट है, पूरी तरह सपोर्ट है, और हमारा इलाका जो जितने भी है तन मन धन से जय श्री राम जय श्री राम कर रहे हैं। किस तरह की अरेंजमेंट्स लग रही हैं जिस तरह से रैली? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख पा रहे हैं जो लोग हैं वो किस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं, और टुवर्ड्स एम ए स्टेडियम, ये जम्मू वासी। अगर हम कोशिश करें किसी से बात करने की, अभी आप देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं हमें अभी तक जो मिल रहे हैं वो ज़्यादातर आरएसपुरा बेल्ट के हैं, जो जम्मू साउथ है उस बेल्ट के हैं, और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं लाइव विजुअल्स कि किस तरह से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो रैली होने वाली है एमए स्टेडियम में उसमें हिस्सेदार बनना चाहते हैं, उसको लाइव देखना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं वो भी आ रही हैं। जिस तरह का सपोर्ट दिख रहा है, आपका नाम? बलबीर सिंह। आपका? निरंजन सिंह मस्ताना, हम रानीबाग से। किस तरह का सपोर्ट है भाजपा के लिए? फुल सपोर्ट है भाजपा के लिए, बहुत अच्छा काम चल रहा है, सभी सरदार लोग सारे कम्युनिटी सब उसके साथ हैं, मोदी साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारे कंस्टिट्यूशन से पहली बार हुआ कि हमारे एक से कैंडिडेट को बीजेपी की ओर से टिकट मिली। ओके भाई, तो आप देख पा रहे हैं जो लोग हैं आरएसपुरा के या जम्मू साउथ की अगर हम बात करें जिसमें बहुत से क्षेत्र पड़ते हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनमें एक अलग ही उमंग है, उत्साह है, वे लोग बड़े प्रसन्न हैं उनके कैंडिडेट से। वो कह रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा प्रत्याशी उन्हें मिला है। हम आपको बता रहे हैं जिस तरह से इस समय हम जम्मू में मौजूद हैं जीवल चौक के पास, जहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। अभी भी आप मेरे पीछे देखेंगे तो जो लोगों की संख्या है वो कम ही नहीं हो रही, जो लोग हैं वो आए जा रहे हैं और मोदी जी के सपोर्ट में। ये लाइव विजुअल्स हम आपको जेके न्यूज टुडे के माध्यम से दिखा रहे हैं। अभी जो लोग हैं वो पैदल ही मार्च करके आ रहे हैं, पर किसी के भी माथे पे शिकन नहीं दिखाई दे रही है कि उन्हें इतना दूर से चलकर आना पड़ रहा है। सब लोग खुश हैं क्योंकि वे अपने मन पसंदीदा लीडर से मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको देखने के लिए आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस समय जो टाइम है वो 11 बज चुके हैं और जो लोग हैं वो आ रहे हैं। आपका नाम? बीए कुमार। कहाँ से हैं? आरसपुरा से। सर, किस तरह के अरेंजमेंट्स लग रहे हैं आज, इतनी बड़ी विशाल रैली हो रही है? हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं उसके लिए। सर, जिस तरह से रोड बंद किया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सभी फर्स्ट क्लास है। अभी आप देख पा रहे हैं लोगों का यही कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी अपना काम बखूबी करते हुए, ये जो बाइक्स हैं ट्रैफिक पुलिस की वो राउंड पे है इस समय, और ये हमारे जम्मू सिटी के मेन सेंटर यानी ब्रिज, तवी ब्रिज की लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ लेडीज आ रही हैं जो कि बीजेपी की ही साड़ी जिन्होंने वेयर किया, उनसे बात करेंगे। नमस्कार मैडम, आपका नाम? मैं एडवोकेट जसमीत कौर पांडे हूँ जी। अभी हम देख पा रहे हैं कि आप लोगों ने जो ड्रेस कोड रखा है वो भाजपा की ही साड़ी है, इसकी कोई खास वजह, कुछ खास इसके पीछे बात? ये भारतीय जनता पार्टी के साथ प्यार है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रीय हित की बात करती है, हम सभी राष्ट्रीय हित की बात करते हैं, और ये एक स्नेह और प्यार है अपने राष्ट्र के लिए, अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए।
किन मुद्दों पे महिलाएं इस बारी वोट करने वाली हैं? देखिए, जो जब भी भारतीय जनता पार्टी की कोई भी स्कीम्स आई तो वो हमेशा वुमेन सेंट्रिक आई है। अगर आप पहले भी स्कीमों की बात देख लीजिए तो सारी स्कीम्स जो थी वुमेन सेंट्रिक थी। अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है उसमें जो है महिलाओं की बात करी है कि जो विधवा और जो बुजुर्ग महिलाएँ हैं उनकी पेंशन जो है 1000 से बढ़ाकर जो है 3000 कर दी जाएगी। उसके बाद जो 70 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं उनको भी 18000 रुपया महीने का मिलेगा, यानी कि 1500 साल का, यानी कि 1500 रुपया जो है उनको महीने का मिलेगा। उसी के साथ दो दो सिलेंडर जो हैं वो मुफ्त मिलेंगे। जो बच्चियां पढ़ रही हैं, चाहे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, यूथ हैं, उनको एक एक लैपटॉप मिलेगा और उनको जो है 10000 रुपया पढ़ाई के लिए मिलेगा। बाकी जो है घोषणा पत्र में डेवलपमेंट की बात करी है, जम्मू कश्मीर के हित की बात की हुई है। कैंपेनिंग किस तरह की चल रही है भाजपा? कैंपेनिंग तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हर दिन इलेक्शंस का वक्त होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो हर दिन जो है लोगों के बीच में निकलते हैं। हम तो हमेशा जो है इलेक्शंस के लिए तैयार होते हैं। हमारे लिए कंपेनिंग जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे लोग ही हमारी जो है वो कंपेनिंग करें जिनका हमने काम किया हुआ है। जी, आप देखते हैं कि किस तरह का सपोर्ट है, लोग आ रहे हैं। हम आपको जीवल से शुरू हुए थे लोगों से बात करना, पुल तक पहुंच गए हैं और जो लोग हैं उनका आना थम ही नहीं रहा है, वो लोग आए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं वो इस समय, हम आपको विजुअल दिखाएंगे, इस तरफ हमारा तवी ब्रिज है, बाहू फोर्ट है, माँ बावे वाली माता है, भारत माता की। अभी आप देख पा रहे हैं अगर हम आपको दिखाएं पीछे तो और लोगों का जो ग्रुप है वो आ रहा है। इस समय हम जम्मू के तवी ब्रिज पे हैं और लाइव विजुअल्स आप लोगों को दिखा रहे हैं। आपका नाम? रमेश कुमार। किस तरह का सपोर्ट देख रहे हैं आप भाजपा? बहुत अच्छा सपोर्ट है, सारी दुनिया मोदी मोदी कर रही है, इतने लोग हैं कि मत पूछो। किस तरह के अरेंजमेंट्स लग रहे हैं आज इतनी विशाल रैली? बहुत बढ़िया अरेंजमेंट हैं हमारी पार्टी के, और सीधी बात, हम जीतेंगे, पूरी जम्मू की पूरी सीटें हमारी हैं, बीजेपी ही बीजेपी है पूरे जम्मू में। कश्मीर में भी हम सीटें निकालेंगे, 10-15 सीट हमारी कश्मीर से होंगी और बाकी जम्मू की सारी सीटें बीजेपी की होंगी, पूरी की पूरी बीजेपी की। तभी आप देख पा रहे हैं लोगों में कितना उत्साह है, लोग किस तरह से भाजपा के लिए बोल रहे हैं कि वह पूरी सीटें निकालेगी। अभी आप देख पा रहे हैं और ये लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं तवी ब्रिज के, और आप देख पा रहे हैं अगर चारों तरफ हम कैमरा घुमाएं तो किस तरह के विजुअल्स हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले डोडा में, श्रीनगर में और कटरा में भी रैलीज की हैं, और उसके बाद अब आज MS स्टेडियम में भी जो एक विशाल रैली है उसे संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। उसी के लिए ये जो लोग हैं, जम्मूवासी हैं, वो जुड़ रहे हैं और वो आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के विजुअल्स जम्मू सिटी में समय है, किस तरह का माहौल है। जैसे ऐसा जेके न्यूज़ टुडे हर दम कहता है कि जो भी चीज़ होगी, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, वो हम आप तक सबसे पहले, सबसे खास रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। और सर, आपका नाम? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, भारत माता की। आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो लोग हैं वो इस समय आ रहे हैं और लोगों में
श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। और हम आपको लाइव विजुअल्स अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो आ रहे हैं। हम भी अपने पूरे तरह से आपके सामने सारे लाइव विजुअल्स रख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो एमएस स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आगे जाके इनकी सिक्योरिटी चेकिंग होगी, उसके बाद इन्हें अंदर जाकर जाने का मौका मिलेगा। हम आपको बता दें कि इस समय जो लोग हैं वो कितने उत्साहित हैं, और हम आपको लाइव विजुअल्स अपने चैनल के माध्यम से हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जब वे पीएम कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट हुए थे उस टाइम पे भी 2013 में जो रैली की थी वो भी इसी वेन्यू से की थी, यानी कि एमए स्टेडियम, मौलाना आज़ाद स्टेडियम से ही की थी। और आज फिर से इतिहास दोहरा जा रहा है, जब जम्मू को उसका सीएम मिलेगा, जब जम्मू की असेंबली इलेक्शन 10 साल बाद हो रही है, यानी कि इससे पहले 2014 में ये असेंबली इलेक्शंस हुए थे और उसके बाद अब 2024 में हो रहे हैं। दोबारा से प्रधानमंत्री इसी ज़मीन पर आए हैं और कैंपेनिंग कर रहे हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए। हमको बता दें, इससे पहले भी वह बड़ी बार इस वेन्यू पर यानी कि एमए स्टेडियम में कैंपेनिंग कर चुके हैं। और अगर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा पूरी ताकत से समय कैंपेनिंग कर रही है, बहुत ही। और यहाँ पे हम अगर हम आपको कोशिश करेंगे अगर किसी से बात हो जाए। आपका नाम? विजय सैनी। कहाँ से हैं? विश्ना से। मुझे बताइए, वहाँ से जो कैंडिडेट है उनके सपोर्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कैंडिडेट है डॉक्टर अजीत भगत जी, क्योंकि विश्नाह की जनता इस बार मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर अजीत भगत जी को, उनको वोट देकर उनको कामयाब बनाना है। कि यह पहला मौका है हमारा जहां से भारतीय जनता पार्टी पहली बार जो है वो एमएलए बना रही है, क्योंकि पहले जो नेशनल कमांडर कांग्रेस वहां जीती हैं, आज़ाद जीते थे, लेकिन यह पहली बार मौका है कि जहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो जीत कर असेंबली में भेजेंगे। किन मुद्दों पर आप वोट करने वाले हैं? मोदी जी के जो कल्याणकारी योजना जो है पूरे देश में जो है गरीबों और किसानों और मजदूरों के लिए जो है उनका जो लाभ जो मिल रहा है, उसी लाभ से जो कल्याणकारी योजनाओं से जो लोग लोगों में उत्साह है कि वे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने जा रहे हैं जी। और हमें बताइए कि किस तरह के अरेंजमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिस तरह से इतनी बड़ी विशाल रैली को संबोधित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। ये प्रशासन जो है वो देख रहे हैं कि प्रशासन का जो बहुत ही अच्छा बंदोबस्त है, लोगों को बहने का, लोगों को जाने का, पीछे गाड़ी जो पीछे रुकी है एशिया में जहाँ से पैदल लोग जा रहे हैं, बहुत ही जो बंदोबस्त जो प्रशासन की तरफ से वो है। लेकिन मोदी जी का जो आज भाषण जो आज मिलने को सुनने को मिल रहा हमें, वो लोगों को मैं बहुत उत्साह है कि मोदी जी का भाषण सुनने के लिए, इसलिए वो उत्साह से जो है वो आज लोग जो है वो उनका भाषण सुनने के लिए एमएम स्टेडियम में जा रहे हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं लोगों में किस तरह का उत्साह है, लोग कितने उत्साहित हैं इस समय। और वह यहाँ से हम आपको दिखाएंगे युद्धवीर सेठी जो हैं प्रत्याशी जम्मू ईस्ट के, वो भी इस समय पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे उनका जो एक रैली की फॉर्म में उन्होंने एक भाजपा के जम्मू ईस्ट से जो कैंडिडेट है वो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो
जो रैली होने वाली है उसमें ज्वाइन होने के लिए यहाँ पे मैं एक रैली की फॉर्म में अपने सपोर्टर्स को लेकर आए हैं। इस तरह से युजवी सेठी जो है अपनी गाड़ी के सनरूफ से बाहर आए हैं। ये विजुअल्स हम लाइव अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हुए हम आपको दिखा रहे हैं लाइव विजुअल्स किस तरह से आज देश के प्रधानमंत्री मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और आप देखें जोश हजारों की संख्या में पूरे विधानसभा से आए लोग हैं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री इनको आशीर्वाद देंगे, ये सब मेरे को आशीर्वाद देंगे और बढ़िया जीत होगी, अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अगला सीएम भारतीय जनता पार्टी का होगा। 50 बार हो पाएगा इस बार। बड़ी भारी संख्या से हम जीत रहे हैं एमएलए की सीटें। प्रधानमंत्री बोलेंगे अंदर वर्मा है। किसके सपोर्ट में आए हैं? ये श्री युद्धवीर सेठी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं हमारे जम्मू हिस्से। लोगों ने अपना मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ रही है, बहुत बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। क्या लगता है भाजपा कितनी सीटें जम्मू या कश्मीर से मैक्सिमम 30+35 तक जाएगी भारतीय जनता पार्टी? और सरकार किस तरह से बनाने वाली है? अभी ये तो अभी मौका तो आने दो सरकार का, अभी 8 तारीख को हमारा रिजल्ट आना है, उसके बाद सरकार का सोचेंगे। सरकार तो बीजेपी की आनी है, अभी मुख्यमंत्री कौन आना है ये तय होना है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं जेके न्यूज टुडे के माध्यम से, यहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक है वो किस तरह से हो रहा है, जो लोग हैं वो आ रहे हैं।
और यहाँ पे हम आपको विजुअल्स जो हैं वो दिखा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं अभी भी पुल पे, अगर हम थोड़ी सी नज़र डालें तो जो लोगों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग हैं वो आ रहे हैं। ये थी जेके न्यूज़ टुडे की स्पेशल खास रिपोर्ट जो हमने लाइव आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भागीदार बनने के लिए आ रहे हैं। हमारे पीछे आप लाइव विजुअल्स देख सकते हैं। हमने जिस तरह से आपको कहा था कि पॉलिटिकल हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, हमने वादा किया था। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए जेके न्यूज़ टुडे। वीडियो जर्नलिस्ट काकाराम के साथ मैं हिमानी कंधारी।